मैं प्राचार्य मुकेश अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वे संगोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी का पौधा और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। हमारे हिंदी विभाग की सीनियर मोस्ट प्राध्यापिका डॉक्टर वीना से अनुरोध करूंगी कि वह पौधा और स्मृति चिन्ह प्रोफेसर रजनी शुक्ल जी को दें। डॉक्टर सुषमा चौधरी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और श्री मुकेश भारद्वाज जी का पौधा और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। डॉक्टर बन्नाराम से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर हमारे प्राचार्य मुकेश अग्रवाल जी का स्वागत करें। डॉक्टर अरुण मिश्रा मंच पर आए और डॉक्टर अवनीश अवस्थी जी का स्वागत करें। स्वागत वक्तव्य और अतिथिगण के संक्षिप्त परिचय के लिए मैं अपने प्राचार्य डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह आएं और स्वागत वक्तव्य दें। परम आदरणीय डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी, प्रोफेसर रजनीश शुक्ला जी, मुकेश भारद्वाज जी, प्रोफेसर के एन तिवारी मेरे सामने बैठे हैं और भी प्रोफेसर राजेश गर्ग जी हैं, हमारी फैकल्टी मेंबर्स कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो यहाँ पर अपने पर्चे पढ़ने के लिए और सुनने के लिए आए हैं, ऐसे प्राध्यापक और शोधार्थी और प्रिय विद्यार्थियों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे मंच से आप सबका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। जब से मैंने कॉलेज में ये दायित्व संभाला है तब से मेरी बड़ी इच्छा रही है कि हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज तीव्र गति से आगे बढ़ें और इस दिशा में मैं लगभग पूरे साल अपने अध्यापकों से, हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं उनसे ये निवेदन करता रहा हूँ कि किसी न किसी प्रकार की एक्टिविटी, किसी न किसी प्रकार की रिसर्च ये कॉलेज में होती रहे। हमें ये नहीं है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये दिखाना है कि हमारे कॉलेज में सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज करनी है, रिसर्च के कामों को, शोध के काम को हमें आगे बढ़ाना है।
ये नैक की भी डिमांड हो सकती है, जो आज एक्रेडिटेशन की एजेंसीज हैं उनकी भी डिमांड हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि ये एक अध्यापक के हृदय की डिमांड होती है। हम अध्यापन कार्य में लगे हैं तो नित नया पढ़ें और कुछ नया सोचें, कुछ नया खोजें, कुछ नया लिखें, ये भाव अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो हम देश को, समाज को, क्या स्वयं को भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये जो भाव मेरा रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे सभी डिपार्टमेंट्स ने इसको बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया है और आज लगभग हर डिपार्टमेंट कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटीज वर्ष भर करते हैं। खासतौर से मैं अपने कॉलेज के जो लैंग्वेजेस हैं, अंग्रेजी और हिंदी, इन दो डिपार्टमेंट्स का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ। हिंदी डिपार्टमेंट ने बहुत कम समय में ही ये एक योजना बनाई और एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन आज हम कर रहे हैं। इसके साथ ही पिछले 3-4 महीने से अंग्रेजी डिपार्टमेंट, मुकेश बैरवा जी हमारे यहाँ बैठे हैं, बहुत मेहनत करके इन लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी करने का निर्णय लिया है और अभी शायद 13 और 14 मार्च को हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कॉलेज में करने वाले हैं। तो ये सब सुनकर, ये सब देखकर, ये सब जानकर बड़ा अच्छा लगता है। मुझे विश्वास है कि आप सब जहाँ जो हमारे सम्मानित अतिथि यहाँ पर हैं उनके विचारों से लाभान्वित होंगे। गोयनका सर को हम सब जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो शायद ही ऐसा कोई होगा जो उनसे न पढ़ा हो, उनसे परिचित ना हो। प्रोफेसर का परिचय आज, प्रोफेसर रजनीश का परिचय आज हमें, उनका जो परिचय है वो वास्तव में जो उनका वक्तव्य होगा उससे आपको मिलने वाला है। मैं जब अभी प्रिंसिपल रूम में बैठा हुआ था तो मैं देख रहा था कि बड़ी बेबाकी के साथ और बड़ा सुचिंतित तरीके से अपने विचार वो हमारे सामने रख रहे थे, हालांकि उस हम सिर्फ सामान्य चर्चा वहाँ पर हो रही थी। मुकेश भारद्वाज जी जनसत्ता के यशस्वी संपादक हैं, अभी गोयनका जी ने कहा ये यशस्वी की पहले पायदान पर हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो मुकेश भारद्वाज जी भी जिस तरह से अपने विचारों को, और वैसे तो सभी संपादकों के बारे में ये कहा जा सकता है कि सभी विषयों पर वो एक बहुत बेहतर तरीके से सोच रखते हैं, लेकिन मुकेश जी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि जनसत्ता जो है वो अपने आप में एक पहचान है। जनसत्ता अखबार हिंदी के शेष अखबारों से कहीं ना कहीं अलग हमें शुरू से ही नजर आता है और आपने भी उस परंपरा को बनाए रखा है, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। एक बार पुनः मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और सभी जो भी हमारी ऑडियंस यहाँ पर है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से उन सब बातों को सुनेंगे, निश्चित रूप से हम सब उनके विचारों से लाभान्वित होने वाले हैं। धन्यवाद। साहित्य, संस्कृति और राजनीति, अंतर संबंधों की पड़ताल, इस विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। इसी सेमिनार के संदर्भ में एक बार प्राचार्य कक्ष में हमारी और मुकेश अग्रवाल जी की चर्चा हो रही थी, तो साहित्य और राजनीति पर मेरे मन में एक विचार आया था कि इस पर एक संगोष्ठी हो, पर जिसका इसका फाइनल स्वरूप, ये जिसे कहते हैं इस रूप में, इस विषय पर लाने में डॉक्टर अग्निवेश अवस्थी जी ने हमारी जो सहायता की, तो आज ये विषय बन पड़ा है कि साहित्य, संस्कृति, राजनीति, अंतर संबंधों की पड़ताल। इस संगोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव प्रोफेसर रजनीश शुक्ल, जनसत्ता के संपादक, यशस्वी संपादक श्री मुकेश भारद्वाज जी, हमारे प्राचार्य डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, आप सभी का सानिध्य इस गोष्ठी की सफलता का प्रमाण है। जब मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, तो उन्होंने स्पष्टता साहित्य राजनीति के संबंध को ही स्वीकार किया था। साहित्य के अध्ययन विश्लेषण में तमाम विमर्शों में इस संबंध को कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव के रूप में रेखांकित किया गया है। साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण से लेकर प्रवृत्तियों तक के विवेचन में साहित्य के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश की चर्चा हुई है। इस विमर्श में विद्वानों के मध्य
मतभेद भी रहे हैं, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि ये मतभेद अकादमिक मतभेद ही थे या फिर कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह को भी दर्शाते थे। भक्तिकाल से लेकर नव जागरण तक की अवधारणा तक के संदर्भ में यह मतभेद इस ओर किंचित संकेत करते हैं। आज इस बात की भी आवश्यकता है कि साहित्य के अध्ययन के हेतु क्या कुछ नए मानक हमारे सामने आए हैं, उन मानकों के आलोक में कुछ नए निष्कर्ष निकल सकते हैं, क्या कुछ नए वातायन खुल सकते हैं। इस दो दिन की गोष्ठी में मैं ऐसा मानती हूँ, आप साथी भी सहमत होंगे, कि 1000 वर्षों के हिंदी साहित्य पर संपूर्णता से विचार तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमने कुछ ऐसे नए बिंदु उठाए हैं जिनके संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं रहा है। क्या इन मतभेदों के बीच कुछ ऐसा भी है जो इस नए तरीके पर सोचने पर हमें विवश करता है? अगर हम आरंभ से ही सोचें तो साहित्य के इतिहास लेखन में आदिकाल के नामकरण में ही विवाद हमारे समक्ष आता है। विवाद इस बात पर भी है कि हम कहां से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानें। नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जातक ग्रंथों इत्यादि तक को हम धार्मिक साहित्य कहकर इतिहास से बाहर करें या फिर उसे हिंदी साहित्य की पूर्व परंपरा के रूप में स्वीकार करें। हिंदी का पहला रचनाकार किसे माना जाए? भक्ति साहित्य को भारतवर्ष की सहज परंपरा का विस्तार माने या तात्कालिक परिस्थितियों का भी उसमें साक्षात प्रभाव था? रीतिकाल क्या केवल दरबारी और श्रृंगारी भर था या इससे अधिक कुछ और भी इसके आशय थे? नव जागरण की अवधारणा को हम कैसे लें? छायावाद क्या कहती, क्या इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया भर था? या ये सब ऐसे कुछ प्रश्न है जो अब भी किसी मायने में अनुत्तरित है। साहित्य में राजनीति की जरूरत के साथ मनुष्य की गरिमा और स्वत्व का सवाल उठा था। यह भी कहा गया था कि लेखक की एक जिम्मेदारी साहित्य की परंपरा को आगे बढ़ाना है, उसका विकास करना है। पर मेरी ऐसी मान्यता है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि विचारधारा कितनी भी वैज्ञानिक, कितनी भी व्यापक और कितनी भी मानवीय क्यों ना हो, जीवन उससे बड़ा होता है और रचना का असली संबंध जीवन से ही होता है, विचारधारा से नहीं। यहाँ गेटे की उस पंक्ति का स्मरण किया जा सकता है जिसमें कहा गया कि सारे दर्शन पीले पड़ जाते हैं लेकिन जीवन का वृक्ष हमेशा हरा रहता है। गोष्ठी में प्रत्येक सत्र में अधिकारी विद्वानों का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। आलोचना में जिस गतिरोध की बात कही जाती है उसमें कुछ हरकत हो तो यह गोष्ठी अपने लक्ष्य में सफल हो पाएगी। इस गोष्ठी का यही उद्देश्य है, यही संकल्प है। इस संकल्प में आप और हम मिलकर सहभागी बने, हमारी यही कामना है। अब मैं जिस गोष्ठी के बीज वक्तव्य के लिए डॉक्टर अवनीजेश अवस्थी को आमंत्रित करती हूँ। अवनीजेश जी से आप सभी परिचित हैं।